नमस्कार फरीदाबाद, मैं जूही शर्मा। जैसा कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको सिर्फ ये नारा सुनने को मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ाएंगे तो तब, लेकिन जब बेटी हमारी बचेगी। कहीं भी भारत के किसी भी देश में कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 9 साल की हो या 20 साल की हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, एक 9 साल की बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसे एक बक्से में बंद करके यहाँ छोड़ दिया गया। आज हमें फरीदाबाद सेक्टर 37, यहाँ पे एक ऐसी वारदात हुई है जहाँ पे एक लड़की के साथ रेप कर दिया गया। वो लड़की मात्र 9 साल की थी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशा है जी। तो आपको पता है यहाँ पे क्या कैसे हुआ था? जी आप बताइए। 9 साल की लड़की के संग में बलात्कार हुआ है। 9 साल की लड़की के संग में बलात्कार रात में हुआ था। तो आपको और कुछ जानकारी है इस बारे में, लड़की की अभी हालत कैसी है? कुछ ज्यादा सीरियस है, वो अस्पताल में उस वाले में सफदरगंज में है, सफदरगंज नहीं बोलते वाले अस्पताल में, अभी सीरियस है एकदम, ज्यादा सीरियस है। अच्छा आइए हम आपको वो चाकू भी है, गर्दन में चाकू है, हाथ में चाकू है, पेट में भी चाकू है। दरिंदगी किसने करी, किसने इस वारदात को अंजाम दिया? नेपाली। अच्छा, तो यही कहीं आसपास का रहने वाला था? यही है, आसपास पे ही रहते हैं। अच्छा, तो वो किराएदार थे, किराए पे रहते थे, जो लड़की है, लड़की किराए पे थी, वो किराए पे रहते थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ, सुनने में तो आई है कि गिरफ्तार कर लिया। उनका भाई करा, पर वो नहीं करा जिसने बलात्कार करा। वो अभी तक फरार है। अच्छा अच्छा, आइए हम आपको वो घर दिखाते हैं, वो गली दिखाते हैं जहाँ पे ये हुआ है। यही वो गली है, गली नंबर 4, सेक्टर 37। अब आप सोचिए जरा कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेटी सुरक्षित नहीं है। आखिर माँ बाप अपनी बेटी को कहाँ तक बचाएं और किस हद तक बचाएं? सरकार क्या कर रही है इस मामले में, कुछ नहीं पता। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह बेटी को लेके कोई ना कोई, हर दिन कोई ना कोई वारदात सामने आती रहती है। कहीं भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। देखिए यही वो घर है, यही उस लड़की का घर है, यही रहती थी वो। आइए हम और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में। यही गली है, यही वो घर था जहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया और उस 9 साल की लड़की के साथ रेप करके उस लड़की को एक बक्से में बंद करके यहाँ छोड़ दिया गया। वो खून से लथपथ थी, अभी उसकी हालत जैसा कि बता रहे हैं ये सब, उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? अभी वो तो रफार है, जैसे चला गया है, नहीं उसका बड़ा भाई पकड़ा गया है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो अभी तक फरार है। पता नहीं पुलिस कब उसको पकड़ेगी, कब उसको सजा होगी, कोई नहीं जानता। ये आप कुछ कहना चाहेंगे जो वारदात यहाँ पे उस लड़की के साथ? बता दो लड़की के बारे में, और नहीं बोल दो ना जो बयान ले जा रहे हैं, बोल दो। क्या बता सकते हैं हम सब, तो शाम को आप नहीं है जो अपने ले कल शाम को टाइम, मतलब कि लगभग 7:30 बजे के आसपास लड़की गायब हो गई, और सबने कहा कि कहीं मंदिर गई होगी, मंगलवार है, पूजा पाठ है, प्रसाद बढ़ते हैं, तो वहाँ चली गई होगी। तो मंदिर पे नहीं मिली, तो फिर सोचे कि पार्टी साटी हो रही होगी मंदिर पे, तो हो सकता है पार्टी में होगी, तो सो पार्टी में भी नहीं रही लड़की। फिर शोर शराबा मचे, कहाँ कहाँ ढूंढा, नहीं मिली लड़की। और फिर बहुत मतलब कि खोज होने लगा बहुत ज़्यादा ही, सब परेशान हो गए। फिर बोले कि यहाँ से, फिर मकान मालिक ये लोग गए तो उनको बोले कि अच्छा एक एक करके हो सकता है मकान, अपना रूम तलाशी करो। तो मकान मालिक तो बेचारा रूम दे सकता है, अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि हाँ ये किराएदार हमारा वैसा है चाहे वैसा है, सबको तो अच्छा ही समझ के देते हैं ना। तो अब वो ढूंढने के जब वो हुआ, तब वो आदमी को साथ वो मिल गई, दिमाग में टेंशन बन गई और कुंडी मारा वो और निकल गया। निकल जाने के बाद में जब लड़की के माँ को शक हुआ कि ये कमरा नहीं अभी चेक ही हुआ है,
ये अगर कमरा चेक हो जाएगा तो जैसे ही कमरा में शायद घुसी तो वो लड़की का डेड बॉडी वो बक्से में करके और बेड में रख रखा था और वो मिला बक्सा में करके और बेड में रखा था। तो लड़की की हालत अभी कैसी है कुछ पता है इस बारे? लड़की तो नहीं है, अब खत्म हो गई, लड़की डेड कर गई। लड़की की हालत बहुत ज्यादा है, सुनने में आया है कि अंदर मुंह के अंदर कपड़ा वपड़ा कस दिया था कि आवाज ना निकाले, ये सुनने में आया हमें। बुरी, बहुत बुरी हालत हो गई थी लड़की की, लेकिन जो भी हुआ हमारे गली में अच्छा नहीं हुआ। अब हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, अब हम मान लेते हैं किरायेदार हैं हम लोग, किसके भरोसे छोड़ेंगे हम? अब गरीब लोग हैं जो ड्यूटी करेंगी, जो माए ड्यूटी करेंगी वो नहीं कमाएंगी तो क्या खाएंगी? हम घर में भी किस भरोसे छोड़ेंगे? लड़की तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, हमें अब किसी पे भरोसा नहीं है। और टेंशन बढ़ गई हमारी कि हमारी बच्ची अब कहीं सुरक्षित बच्ची है, 8-9 साल की लड़की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं बताई है, छोटी बताई, हमने तो देखा भी नहीं उसे। उसको मैंने हमारे रोमटे रात से लेके अब तक हमारे कांप रहे हैं और सोच सोच के हमको रात भर नींदे नहीं आई है, ना खाना खाए ना पानी पिए, बस नहीं वहाँ है वो रूम जो वहाँ पर जब पहले खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो वो लड़का जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो आस पड़ोस का ही था? यही आस पड़ोस का ही था, उसके घर के बगल का ही था। तो वो लड़का अभी तक फरार है? लड़का क्या है, वो 40 साल का है, 40 साल का आदमी है, वो लड़का नहीं है। अच्छा, आदमी है वो, 40 साल का लड़का है, वो आदमी है और बाल बच्चेदार है, वो खुद फैमिली वाला, उसकी फैमिली गांव में है। और वो देखो पी खा के ऐसा दरिंदगी किया है, जो आदमी मतलब कि जिस जो भी सुन रहा है उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जा रहा है कि अब हम कैसे रहेंगे। का नाम बताएं? नाम का तो गुड्डी गुड्डी करके ऐसे सुनी थी, लेकिन उस है ना गुड्डी गुड्डी करके सुना है मैंने। हाँ फरीदाबाद, अब आप सोचिए जरा कि हम अपनी देश की बेटी को कहाँ लेके जाएं, कैसे सुरक्षित रखें, कहाँ रखें, और सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है कि हम अपनी देश की बेटियों को बचा सके। लड़की को मतलब कि जो जान लिया है उसको दरिंदगी किया, उसके साथ फांसी होना चाहिए, उस आदमी को फांसी के अलावा और कुछ नहीं। क्या उसको क्या सजा दोगे? फांसी के अलावा और कोई सजा है नहीं, है ना? फांसी ही चाहिए भाई, हमें तो फांसी चाहिए, हमारा तो ये कहना है, क्योंकि जो किया है तो अच्छा नहीं है, वो बहुत बड़ा मतलब कि जुल्म किया है। पहले हम लोग सुनते थे, अब तो आँख से हम लोग देख लिए, बगल में हो गया ऐसा कारनामा। अब से हम लोग खाना नहीं खाए, भूखे ऐसे ही सोए, नींद भी नहीं आई बिस्तर पे, सो भी नहीं पा रहे हैं, बार बार अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं। अभी तक हम राह देख रहे हैं कि लड़की मतलब कि सुबह में खबर मिला है कि लड़की अब नहीं है। वो 9 साल की गुड्डी अब हमारे साथ नहीं रही, इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। और उससे भी दुखद बात ये है कि हम अपनी बेटी को अब कहाँ रखें। नमस्कार फरीदाबाद, अब बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। धन्यवाद।